किसानों ने आज विभिन्न मांगों को लेकर 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया था। इसमें भिंड जिले में किसानों को कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया। भिंड शहर के अलावा अन्य तहसीलों में भी कांग्रेस और कुछ अन्य दलों की ओर से किसानों को समर्थन देते हुए बंद कराया गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा के द्वारा व्यापारियों से अपने अपने प्रतिष्ठान खोलने की अपील करने की सूचना मिली है। इससे साफ होता है कि भाजपा किसानों की हितैषी नहीं है और वो नहीं चाहती कि जो किसानों के जायज मांगे हैं वो पूरी करें। आज कांग्रेस जिलाध्यक्ष मान सिंह के नेतृत्व में बाजार बंद कराया गया, जिसका भिंड में मिला जुला असर देखने को मिला। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने यह सिद्ध कर दिया कि हम किसान विरोधी हैं, हम युवा विरोधी हैं, हम मजदूर विरोधी हैं, हम जन विरोधी सरकार। उनने अपने आप को स्वतः स्वीकार कर लिया है, क्योंकि आज ये आह्वान कांग्रेस पार्टी का नहीं था। यदि कांग्रेस पार्टी का आह्वान होता और वो उस पर खुलवाने का प्रयास करते तो मैं मान सकता था कि कोई राजनीति हो सकती है। यह आह्वान किसानों का था और किसानों के आह्वान को उन्होंने ठुकराने का काम किया है, जबकि सब लोग भलीभांति जानते हैं देश कृषि प्रधान देश है और वो भी एक किसान के बेटा होंगे जिन्होंने इस प्रकार का किसानों का अपमान करने का काम किया है।